वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी। आरएसएस को हो सकते हो, बीजेपी को हो सकते हो। ये तस्वीर यूपी की सियासत में आज केंद्र बिंदु बन गई है। तस्वीर साफ है, अखिलेश के पिता समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक सोफे पर विराजमान है। तस्वीर सामने आई तो यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। जो अखिलेश और सपा संघ को रात दिन पानी पी पी कर कोसते हैं, छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस को हो सकते हो, बीजेपी को हो सकते हो, उसी संघ के मुखिया के साथ एक सोफे पर अखिलेश जी के पिता बैठे हैं, वो भी उन्मुक्त मन से। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर इसीलिए चर्चा का विषय है। दरअसल 20 दिसंबर को राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जन्मदिन होता है। इसी मौके पर उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी से आज जन्मदिवस के अवसर पर आत्मीय भेंट करके आशीर्वाद लिया। आपका स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन सदैव कर्तव्य पथ पर चलते हुए माँ भारती की निरंतर सेवा करने की प्रेरणा देता है। वैसे ये तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर आयोजित एक विवाह समारोह कार्यक्रम के दौरान की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या बात हो गई, दो बड़े लोग ही तो मिले हैं। लेकिन सियासत इसी का नाम है, मेल मिलाप में भी राजनीति देखी लेती है। अब यूपी कांग्रेस ने इस तस्वीर को लगे हाथ लपकते हुए पूछ लिया है कि क्या सपा में स का मतलब अब संघवाद है। इधर यूपी बीजेपी ने भी तस्वीर के उस हिस्से को काट कर अपनी वॉल पर चस्पा कर दिया, जिसमें लाल टोपी लगाए नेताजी संघ प्रमुख के साथ दिख रहे हैं। पता नहीं बीजेपी इससे क्या दिखाना चाह रही है, लेकिन बीजेपी समर्थकों को यह तस्वीर रास नहीं आई और यह तस्वीर बीजेपी के लिए ही उल्टा दांव बन गई। ट्वीट पर आए कमेंट तो कम से कम यही बता रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, जिसने निहत्ते कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का बैठना यही दिखाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिसको चिमटे से भी न छुए उसको साथ बिठा लिया। वैसे जिस लाल टोपी को लगाकर नेताजी मोहन भागवत के साथ बैठे हैं, कुछ दिन पहले मोदी जी उसे खतरे की घंटी करार दे चुके हैं। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। लेकिन कमाल की बात यह भी है कि जिस लाल टोपी को लगाए नेताजी बैठे हैं, उन्हीं नेताजी ने 13 फरवरी 2019 को लोकसभा के भीतर नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया था। तब पीएम मोदी ने जय श्री राम की गूंज के बीच हाथ जोड़कर मुलायम सिंह का अभिवादन किया। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य, माननीय सदस्य फेंकी चुका है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फेंकी चुका। ये हमारी इच्छा है, ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना दबाव तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। जवाब में पीएम मोदी भी कई बार मुलायम सिंह की तारीफ कर चुके हैं। संघ भी जब मुलायम सिंह सीएम थे तब उनके स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले काम की प्रशंसा कर चुका है। इसलिए ये बात सियासत की नहीं है, सियासत कुछ और है और ये रवायत कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।